क्योंकि अहंकार के ह पर लगी हुई बिंदी जिस भी नंबर के पहले लग जाती है उस नंबर की वैल्यू घट जाती है। एक के पहले अहंकार की बिंदी पॉइंट लगा लीजिए तो एक की वैल्यू एक नहीं रह जाती है, वह घटकर 1/10 हो जाती है। इसलिए पूरी विनम्रता शालीनता से मर्यादाओं का अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए। दूसरी राजनीतिक पार्टियों से हमारी राजनीतिक पार्टी सर्वथा भिन्न है। अब अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रति जनसामान्य की जो धारणा बनी हुई है, यदि वैसी ही धारणा हमारे प्रति बन जाए लोगों की, तो जो पार्टी एक विशिष्ट पहचान वाली पार्टी यानी पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है वो नहीं रहेगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और मैं तो यह मानता हूं कि जहां पर आपने विजय हासिल की है अथवा विजय हासिल करने से आप रुक गए, आप एक बार अपने मतदाताओं से मिले होंगे, जिन्होंने मत दिया है उनसे भी मिलिए, जिन्होंने नहीं दिया है उनसे भी मिलिए, यह मेरा आप सभी से आग्रह है। मन में कटुता का भाव नहीं होना चाहिए, हमारा सचमुच हमारे अंदर तो बड़प्पन होना चाहिए, ऐसा बड़प्पन होना चाहिए कि पत्थर भी पिघल जाए हमारे बड़प्पन के, ऐसा बड़प्पन होना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का एक अहंकार का भाव तो बिल्कुल रहना ही नहीं चाहिए। और मैं वही बातें कह रहा हूं आपको कि जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए जो मैंने निर्वाह करने की कोशिश की, और कई लोग ऊपर के वो भी कहते हैं राजनाथ जी आप देश के रक्षा मंत्री हैं और जो होता है आप वार्ड के लोग भी आते हैं आपसे मिलकर चले जाते हैं। मैंने कहा कि आज चाहे हमारा जो भी कद होगा वो कद है तो एकदम बिल्कुल हमारे बराबर का काम करने वाले होगा। इनसे मिलने से क्या लाभ होता है, ये आते हैं कल फोटो खिंचाने चले जाते हैं। अरे मैंने कहा कि हमसे कुछ नहीं लेते, एक चित्र ही तो लेते हैं। और मैं तो ये कहता हूं सचमुच हमारी पहचान लेकर नहीं जाते, वे मुझे अपनी पहचान हमको देकर जाते हैं, इसी कारण मेरा डर बड़ा है। क्या हम इस भाव से काम नहीं कर सकते? पर मित्रों मानकर चलना, दुनिया में चाहे बड़े से बड़े उपदेशक होंगे, जब तक यह देवत्व का भाव आपके अंदर नहीं है आप समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मन के अंदर बराबर यही देवत्व का भाव बनाकर रखना और जिंदगी में जो कुछ भी हासिल होता है, जो कुछ भी, उसके पीछे एक जो परोक्ष सत्ता है इसे कहते हैं परमात्मा कहते हैं, योग भी कहते हैं, उसकी बहती अनुकंपा है, इसको भी हमको भूलना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कह सकते हैं आप राजनीति में तो चाहे जैसे हो जो हथकंडा बताइए गलत हो सही हो विजय हासिल होनी चाहिए बस इतना ही, यही सब कुछ है। मैं नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि आप जैसे जो लोग जीतने से वंचित रह गए हैं वो मानकर चले, कहीं ना कहीं कोई बात रह गई होगी। अगली बार मैं इतना पसीना बहाऊंगा, इतना पसीना बहाऊंगा कि परमात्मा भी मेरे परिश्रम को देखकर पसीने को देखकर पिघल जाएगा।